गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो हेलो कुमार, संदीप कुमार, आई मार्क्योज है। और फिर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। हेलो नेक्स्ट, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 140। या 130, जस्ट ए मिनट प्लीज, आई हैव सम टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ रिपीट करते जा रहा है, हम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निवेश कुमार, गुड इवनिंग। अनामिका, शशि भूषण, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके ओके, थैंक्स। ओके, क्लियर। ओके, इट वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, निवेश कुमार, मेरे ख्याल से कल क्वेश्चन नंबर 101, 101 का सामाजिक दुश्चिंताक्रामकता, मल्ल मूल्य द्वंद और सामाजिकरण, सामाजिकरण होगा इसका, 101 का सामाजिकरण होगा। अब चलते हैं 140 क्वेश्चन नंबर, यस अनामिका, 141, यस हम चलेंगे 40 क्वेश्चन नंबर 141। 141 ऑनवर्ड, 141 से आगे फिर हम चलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? आधारभूत सहायता का एक बढ़िया उदाहरण, आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण, समस्या का समाधान जल्दी से देने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, और उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, समस्या के समाधान के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यहाँ पर ये भी सही नहीं होगा। बी, उसे बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। आधारभूत सहायता, आप कहते रहे हैं कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, ये कोई आधारभूत सहायता नहीं है। सहायता कर सकते हैं कि प्रोसेस बता सकते हैं, उसमें आधा मदद करके और कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर इसको विश्लेषण किया जाए तो उत्तर आपका 141 का सी, 142। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, सीखने की भी जो विविध शैली होती है, कहते हैं कि बच्चों के सीखने का भी अपना अपना प्रकार होता है। आप कहता है कि समान अनुदेश देंगे तथा बच्चों उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे।
बच्चों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही उनको हम नामित नहीं कर सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। अगर कहा जाए कि विविध शैलियों वाले बच्चे हैं तो विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण भी होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से अगर हम कहेंगे 142 का सी, 143, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन इनमें से सही है? अगर कहेंगे तो अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। अधिगम में प्रेरणा की बहुत जगह है, अहमियत है, बहुत ज्यादा रोल है। केवल अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा सीखने की अंतर इच्छा हो, और अधिगम केवल तभी प्रभावी जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। जो हम कहते हैं ना, अभी प्रेरणा एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है, लेकिन दोनों अभिप्रेरणा प्रभावी होती है। सबसे ज्यादा जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है स्वतः प्रेरित होता है ना? तो विद्यार्थी जब स्वतः प्रेरित होता है तो वो अभिप्रेरणा ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं 143 का भी सी, 144। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा से में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कहा जा रहा है कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों में समस्या बच्चों की समस्या के हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। पहला कहा जा रहा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना, आप मदद कर रहे हैं, ये हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं कर सकता है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना और सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अब कहा जा रहा है कि अभिसरण प्रश्न वाले उत्तर पूछना, मतलब जिसकी व्याख्या नहीं कर पाए हो, अब कहते हैं कि उस प्रश्न को पूछना जो व्याख्या रहित है, तो समस्या हल करने के तरीके का वर्णन ये सही नहीं होता है। बगैर व्याख्या के विद्यार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं कर सकता है। 144 का डी, 145। आलोक कुमार, गुड इवनिंग वंस अगेन। नेक्स्ट, कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छे वर्णन करता है? टीचर का रोल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आप ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से 60% क्वेश्चन आपके जो जितने नंबर ऑफ द क्वेश्चन है उसमें ऐसे होते हैं, उस पैटर्न के होते हैं जिसमें ये चार ऑप्शन वो सही होते हैं। क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उस वो ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सही होता है वो आपका उत्तर होता है। और ये अगर आप कला विकसित कर लेते हैं, ये अगर इस कंसेप्ट पर तथ्य पर अगर आपकी पकड़ होती है, तो अगर कहते हैं कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, देखिए बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, सही है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। और आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से, ये कौन प्रश्न है, 145, आराम के लिए पूछताछ के माध्यम से सीखते, कौन से शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छे वर्णन करता है? मेरे ख्याल से ये प्रश्न और उत्तर अच्छे से वर्णन करता है थोड़ा सा। निम्नलिखित कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षे में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, शिक्षक निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन, पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, और आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका अगर कहते हैं हम इसमें करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां जब बच्चे संवाद और पूछताछ के लिए माध्यम सीखते हैं, मेरे ख्याल से डी नहीं होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करना, नैतिक पाठ्य का पालन करना,
और एकता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो इस प्रश्न थोड़ा सा ये प्रश्न का जो मेरे ख्याल से जो एक तरह से प्रिंटिंग एरर हुआ है और ऑप्शन को इसमें से दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन का भी इसमें मिक्सअप कर दिया गया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अधूरा ये प्रश्न हो गया है ना। हालांकि हम इसमें हम ए लगा देते हैं, अधूरा प्रश्न है ये, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है इसको हम मानते हैं। कौन सा 46, नेक्स्ट 46, कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। मतलब हम क्या कहते हैं, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम साधन करते हैं। बी और सी तो अगर कहा जाए तो प्रश्नों से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, और इस मामले में कहते हैं डी संसाधन रहित है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल 146 फॉर ए 147। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कि बच्चे प्रेरित हैं आपसे, आपके एक्टिविटीज को लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, मतलब इसको आप कैसे समझेंगे, है ना। जैसे कि कहते हैं कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा, यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, सभी उपस्थिति में नियमित है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब देखा जाए, बच्चे को अगर प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरित होते हैं तो जागरूकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, क्यूरियसिटी जो कहते हैं वो उन्हें प्रेरित होती है। अगर क्यूरियसिटी विकसित होती है तो निश्चित तौर पर अपनी समस्याओं की प्रस्तुति वो देते हैं और उसका समाधान चाहते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसके 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 में जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे बढ़िया कहा जाता है ना, प्रश्न के देखा जाता है कि चार ऑप्शन चारों है अथवा नहीं है, चारों है तो उनमें से बेस्ट कौन होगा, यानी कि अगर कहेंगे तो, और प्रश्नों से ताल्लुक कौन रखता है, प्रश्नों से उनके ऑप्शन विकल्प का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ताल्लुक रखना ये बड़ी बात होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक से जुड़ते हैं। 147 का मेरे ख्याल से डी हो जाएगा, बहुत ज्यादा। वन फोर्टी एट, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिसिप्लिन सो फार एज लर्निंग इज कंसर्न, यानी कि लर्निंग का क्या संबंध है, अनुशासन लर्निंग से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर इसमें हम कहते हैं कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, विनियमित मतलब कि ऑब्जर्वेशन में, और फिर कहते हैं चुप्पी साधने के लिए, ऐसा नहीं होता है, शिक्षकों को निर्देश देने में ऐसा भी नहीं होता है, और बच्चों को उनके पाठ रद्द कर या रट कर याद करने में, अगर हम देखेंगे सीधे प्रश्न को लेते हैं और फिर उसके ऑप्शन से जुड़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन किसकी व्याख्या करता है और अथवा किससे जुड़ा हुआ है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये सामान्य टिप्स है कि प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्नों में जो कंसेप्ट है उसका संबंध ऑप्शन से, विकल्प से है अथवा नहीं। तो सीधे पूछा जा रहा है प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है, अनुशासन के बारे में, और अनुशासन की उचित व्याख्या अगर कहा जाए तो सबसे बढ़िया 48 का ए ऑप्शन होगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगंध स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का, सुगंध स्वरूपों में, सुगंध नहीं सुगम स्वरूपों में, प्रिंटिंग एरर थोड़ा थोड़ा हो जाती है मानवीय भूले हैं को, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है, मतलब किससे है। कहा जाता है कि विविध मतलब वेरियस होते हैं, मिसलेनियस अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य, मतलब इसका अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या है। कहते हैं शिक्षक शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण
अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार और शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। अगर हम कहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहता है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, विविध अधिगमकर्ताओं से तात्पर्य हमारा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, जिन जो अभी मैंने कहा कि सीखने के तरीके भी अलग होते हैं, उनके जो डाइवर्सिटी होती है, उनके जो मिसलेनियस कंसेप्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। मतलब उसका मतलब क्या है? तो सबसे बढ़िया सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और नैतिक विचार और सार्वभौमिक संहिता से बढ़िया होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। ये सबसे बढ़िया व्याख्या कौन करता है? 49 का बी करता है। इसलिए आपका उत्तर 149 का बी, 150। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि, किसमें है भाई? अगर हम कहते हैं संज्ञान, कॉग्नाइजेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब जिसको समझना, मतलब ज्ञान में रखना, समायोजन दैट मीन्स एडजस्टमेंट, हम अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करते हैं, उसको सीखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, रेडी करते हैं, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन, मतलब जिसको हम फोकस करते हैं, और कहा जाता है संज्ञान बोध, मतलब कि उस विषय वस्तु का ज्ञान, उस विषय वस्तु को आत्मसात करना। इस तरह से अगर हम कहते हैं कि इनमें से कौन होगा अंतर्निहित है किसमें, तो संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण और संज्ञान बोध। यानी अगर हम कहते हैं जागरूकता, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, तो किससे हो जाएगा? 151 का डी। नेक्स्ट, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, यानी भाषा से प्रभावित होकर के सोचना, भाषा से प्रभावित होकर के सोचना, क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष इमोशन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। सामाजिक भाषाई उद्दत, मतलब कि वो सोशल जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, उससे प्रेरित हुआ, और सांस्कृतिक प्रभाव कल्चर का इफेक्ट, और फिर कहते हैं भाषा निर्धारित, अस्पष्ट है। प्रश्न कहता है सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा, तो आपका भाषा निर्धारित ये प्रोसेस हो जाएगा 151 का डी। उसके बाद में है 152। नेक्स्ट, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरण खराबी के कारणों की परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है एवं उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मनीष पांडे जी, संज्ञान बोध, अगर कहते हैं संज्ञान बोध, संज्ञा आप देखिएगा ऑप्शन ए में है संज्ञान, संज्ञान दैट मीन्स कॉग्नाइजेंस बोलते हैं, जैसे कि कोई किसी के बात को कोई जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि किसी भी अमुक घटना के बारे में स्वतः कोट ने संज्ञान लिया, आप ध्यान दीजिएगा स्वतः कोट ने उस पर संज्ञान लिया, मतलब ये कोर्ट के नजर में, कोर्ट के मालूम हुआ और रिपोर्टिंग हुआ कि ऐसा होता है और बाकी लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मतलब स्वतः वो प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, यहां विद्यार्थी और अधिगम के संबंध में कहना है कि संज्ञान मतलब कि उस तथ्य को जानना, उस तथ्य को समझना जो जानने की कोशिश कर रहा है, और जब उसमें वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है और वो उसमें मैच्योर होता है, तो दैट मीन्स वो जान जाता है। बोध मतलब होता है पुष्टि करना, कंफर्म होना, तो दैट मीन्स संज्ञान बोध मतलब कि उसकी पुष्टि, परिपक्वता। तो वही यहां पर पूछा जा रहा है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मकता क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना और समीक्षा करना, ये किसकी पुष्टि करता है, और संशोधन ये क्या बताता है? दैट मीन्स संज्ञान बोध मतलब कि वो उसकी पुष्टि हो चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि संज्ञान बोध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा 52। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरण खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतःदृष्टि का, कलन विधि का, अगर हम कहते हैं कि अपने अनुभव, यहां पर अनुभव से तात्पर्य है कि लक्षणों के आधार पर उपकरण खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, क्या करता है, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानिक विधि का, चूंकि यहां पर अनुभव और लक्षण के आधार पर जोड़ा जा रहा है, अंतःदृष्टि, कलन विधि और अनुमानी विधि, हम डी और ए को यहां पर नहीं मानते, अंतःदृष्टि जो इनसाइट नॉलेज होता है, इनसाइट, अंतर्दृष्टि इनसाइट और अनुमानित विधि दोनों सही होते हैं, बट हम यहां पर कहेंगे अपने अनुभवों और लक्षणों के जो हमें प्राप्त ज्ञान है, पर उपकरण खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, इनसाइट थ्योरी का यूज करता है। अनुमानी विधि एक सामान्य परिकल्पना हो गई, यानी कि बी और सी में सबसे ज्यादा प्रीफरेबल अगर होता है तो 142 का हमारा क्वेश्चन सी, 153। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी कि विशेषता बाकी सभी है। अगर हम कहते हैं जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, सिंपल सी बात है, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे अधिगम की खास विशेषता है, सहानुभूतिपूर्ण भी होती है, विद्यार्थियों के प्रति हमारी ऐसी रवैया अपेक्षित है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, स्वेच्छाचारी, ये ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी, इट डज नॉट रिक्वायर इन लर्निंग और टीचिंग, हम अगर इसको कहते हैं तो ये हमारा 153 का सी हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा, 154। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र, अधिगम हमेशा ध्यान रखिए, नियम, सूत्र और सिद्धांत ये ज्यादा हावी रहते हैं, इसमें अगर हम कहते हैं कि शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है, निश्चित से अनिश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से जटिल की ओर और निगमन से आगमन की ओर, हम कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर जरूर है, दृश्य से अदृश्य की ओर जरूर है, सरल से कठिन की ओर जरूर है, अगर हम कहते हैं आगमन से निगमन की ओर तो सही होता है, आगमन से निगमन की ओर सही होता है, हम कहेंगे कि निगमन से आगमन की ओर ये ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे 154 का डी, 155। नेक्स्ट, 156, द बिहेवियर ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, आप ध्यान रखिएगा ये सभी व्यवहारवादी और मानववादी हैं, हॉल हुआ, थर्नडाइक चाहे, पावलोव हो, इन्होंने बच्चों के व्यवहार, बच्चों की टेंडेंसी, उनकी जिज्ञासा, उनके इमोशन पर बस सबसे ज्यादा ये किया है, लेकिन अगर कहा जाए द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से रिगार्डिंग, ये एक बुक है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और उनकी टेंडेंसी और पूरी तरह से उनके इनसाइड थ्योरी, अंतःज्ञान के बारे में और बाकी सभी उनकी गतिविधियों के बारे में ये बुक स्टडी करता है और इसके लेखक हैं स्किनर महोदय, 156A, 155, सॉरी। थोड़ी सी गलती हुई है, 150 ये क्वेश्चन है, हमने ए 156 क्वेश्चन ही, 155 मिस कर गया है, 155 क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, चूंकि 156 बाय मिस्टेक ये हुआ, 156 का हमारा ए होगा, 155, 154, 155, 156 ये खाली छूट गया है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। अगर हम कहते हैं तो इस प्रश्न का विशेषता है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ऑप्शन बताया जा रहा है, जैसे मैं कहता हूं ना कि ऑप्शन से जोड़ते हैं, तो इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अगर पूछा जाए ये तो सही होगा, क्योंकि बाकी सभी अधिगम की विशेषता है। अधिगम, ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हुई है, इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, ये है, क्योंकि बाकी सभी फीचर इसमें मिल रहा है। जैसे कि नहीं होता है तो तीन होता है, एक नहीं होता है, और होता है तो तीन नहीं होता है, एक होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये प्रश्न थोड़ी सी गलत होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तब हम देखेंगे। तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, बात सही है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बात सही है, और फिर उसके बाद में अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है, यह भी बात सही है। लेकिन अगर कहेंगे अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है ना, ये मेरे ख्याल से गलत लगता है। यानी 155 का हम सी करेंगे, 155 का सी छूट गया था, हमने 156 को देख लिया था, इसलिए ये रॉकी कुमार 155 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 157। निम्न में से कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। अगर कहा जाएगा निम्न में से कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन फॉर्मिंग और प्रमोटिंग इसको भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक अन्वेषण जिसको कहते हैं, योजना है ना। कहा जा रहा है कि शिक्षण की बाकी जनतांत्रिक शिक्षण नीति है लेकिन एक नहीं है। हाँ, अगर हम कहते हैं योजना बनाते हैं, तो कोई भी योजना बनाते हैं तो जनतांत्रिक प्रक्रिया का हम ख्याल रखते हैं, सबके लिए बनाते हैं। अन्वेषण विधि भी खुद विद्यार्थियों के लिए होता है जिसमें इस प्रक्रिया को लागू करना जरूरी होता है। और ब्रेनस्टॉर्म फॉर्मिंग प्रमोशनल अगर हम कहेंगे स्टिमुलेशन, तो ये सब भी जनतांत्रिक शिक्षण नीति का पार्ट होता है। लेकिन कहेंगे व्याख्यान, लेक्चर, इंडिविजुअली जिसमें टीचर पार्टिसिपेट होता है, तो दैट मीन्स अगर इस पर हम कहते हैं कि ये हमारा जो नीति होता है, ये जनतांत्रिक शिक्षण नीति से रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि गैर लोकतांत्रिक है, गैर जनतांत्रिक है, बट ये हमारा सिस्टम उससे नहीं जुड़ता है। 157 का ए, 158। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, हम करके सीखते हैं। या यूं कहा जाता है, इक्स का एक आगे हम बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे या कोई करके सीखता है या उम्र से सीखता है ना। जैसे करके सीखना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना, और फिर उम्र से सीखना दैट मीन्स ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमको करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी, वेन नेवर वी प्रैक्टिस द अपॉर्चुनिटी वी गेट नॉलेज, है ना। तो उसके लिए सबसे अगर कहा जाए तो व्यवहारवादी और मानव शिक्षावादी हमारे डॉक्टर मेंस महोदय का कहना है कि हम करके सीखते हैं। हालांकि इसके बारे में अन्य विद्वानों ने भी कहा है, सबसे पहले वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो समाज में देखता है वो करता है और उसके बाद में वो सीखता है। लेकिन एक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये हमारा 58 का सी। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। अब देखिए अंतः क्रिया, अगर कहा जाए कि शिक्षण की अंतः क्रियात्मक जो इंटरविंड एक्शन होता है अवस्था में मुख्य संक्रिया, मतलब कि जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? निदान की होती है, प्रत्यक्षीकरण की है, कृत्या क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है, उपयुक्त सभी की होती है।
अगर हम कहेंगे तो अंतःक्रिया जब होती है तो निदान और प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज्यादा क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब सीखने का जो प्रयास करता है रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है या पार्शियली पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड वो क्रिया और प्रतिक्रिया। इसलिए 159 का हम अगर कहेंगे सी तो ये उचित होगा। 160 नेक्स्ट। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। बालक क्या करता है? साइकिल चलाता है ना, साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? 36 अधिगम अंतरण का, उर्ध अधिगम अंतरण का, द्विपाक्षिक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं, अधिगम अंतरण। दैट मीन्स यहां पर कहेंगे हम ग्रेजुअली, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो ग्रेजुअली है ना, वट एवर ए स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न और लर्निंग। अगर कहेंगे 36 अधिगम अंतरण का, मतलब जैसे ग्रेजुअली वो एक के बाद एक एक सीखने के बाद दूसरा सीखता है, जैसे साइकिल सीख चुका है इसलिए वो बाइक सीख रहा है। अगर यहीं पर होता कि साइकिल के बाद वो क्या कार सीख रहा है, कार ड्राइविंग से, तो कोई भी अधिगम अंतरण इसमें नहीं होता है ना। अगर हम कहेंगे 36 अधिगम और उर्ध्व अधिगम अंतरण, तो एक के बाद वह जो फैक्ट जिससे उसका रिलेशन पहले के लर्निंग से होता है, तो इसको हम करते हैं उर्ध्व अधिगम संचरण। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 160 का बी। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने किनके द्वारा कहा गया है? कभी कभी आपकी एग्जामिनेशन में इस तरह के स्टेटमेंट पूछ दिए जाते हैं, किनका कहना है, किन्होंने कहा, तो जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स अक्सर वो प्रैक्टिकल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उनके द्वारा प्रूव्ड किया गया होता है। अगर हम कहते हैं अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण ये किनके द्वारा कहा गया है, तो अगर हम कहते हैं कि मार्गन और गिलैंड और फॉनबेक, तो ये भी इनके बारे में बिल्कुल ये नहीं कहते हैं, ये व्यवहार का अध्ययन करने वाले हैं, दोनों व्यवहारवादी हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। गेट्स और स्किनर दोनों की चर्चा करें तो इसके बारे में कहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे कि 161 में अधिगम के बारे में, अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में गेट्स एवं अन्य, अगर हम इनमें कहते हैं स्किनर से बेहतर माने जाएंगे हमारे 161 का ए। अनामिका 161 फिर से, ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि जो बच्चा है साइकिल, ध्यान दीजिएगा, साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, साइकिल से उसका क्या रिलेशन है बाइक का? मतलब वो दो पहिया, अभी मैंने कहा कि साइकिल के बाद कार, तो मैंने कहा ना इसका कोई अधिगम संचरण नहीं है। दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर यह कहा करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसी चैप्टर्स के पढ़ने से पूर्व उस चैप्टर के कंसेप्ट को पहले से वो जानता है, ये यहां पर कहा जा रहा है कि उस चैप्टर के कंसेप्ट को पहले से जान रहा है, उर्ध अधिगम अंतरण कहा जाता है, यानी प्री मॉनिटरिंग लर्निंग उसको कहा जाता है, इसके बारे में पहले से वो जानता है, इसलिए हमने यहां पर यह किया। अगर कार चलाना जानता है तो कोई भी अधिगम का अंतरण उसमें नहीं है। विनय प्रभाकर, आगे बढ़ते हैं। 162 कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, टीएलएम आप लोग जानते होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या सहायक सामग्री के रूप में अगर हम कहते हैं, या उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है, किया जाता है।
तो क्यों, क्या उसका उद्देश्य होता है? विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब शिक्षण ही बोझिल हो जाएगा तो फिर शिक्षक उसमें कुछ क्या कर सकते हैं? इसलिए शिक्षण बोझिल नहीं होता है, ये नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए टीएलएम का पर कोई रोल अनुशासन से मेरे ख्याल से नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। शिक्षण में आवश्यक होने के नाते, ऐसा नहीं कंपलसरी है, इसलिए उसको हम लागू करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अनुसार अगर व्याख्या की बात देखेंगे तो बाकी चार से ए हमारा जो होगा विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए। ज्योग्राफी में अगर हम ग्लोब का यूज करते हैं तो ग्लोब पर हमको दर्शाना होता है कि कोई भी देश, महादेश, ये सागर, महासागर कहाँ पर है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये परिस्थितियों का निर्माण करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कहते हैं उनका डिमांड होता है, यानी 162 का मेरे ख्याल से ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कहते हैं ना अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। जो सर्कमस्टांशियल हो जाते हैं वो बाह्य होते हैं, और जो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं वो आंतरिक कहलाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, और सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जन्मदिन पर पोशाक मिलना, अगर कहेंगे जन्मदिन पर पोशाक मिलना तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हो सकता है, इसलिए बाकी नहीं होगा, तो सी और डी हट जाता है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना और स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, सेल्फ जो रेगुलेशन होता है, सेल्फ ओरिएंटेशन होता है, स्वयं से जो हम हल ढूंढते हैं उसके पीछे हमेशा प्रेरणा काम करती है, हमारा सेल्फ का जो रेगुलेशन काम करता है, तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान होगा 163 का। हम बी कहेंगे तो सबसे उचित उत्तर होगा 164। नेक्स्ट, गैनन ने अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? अब देखिए थोड़ा सा कंडीशंस ऑफ लर्निंग, आप लोग इंटेलिजेंस पढ़े होंगे, उसमें भी बताया जाता है कि इंटेलिजेंस के साइड सिंगल साइड होते हैं, डबल साइड होते हैं, मल्टी साइड होते हैं, स्पेशल साइड होते हैं, ये इंटेलिजेंस के। अब कहा जा रहा है कि सीखने के भी प्रकार होते हैं, प्रैक्टिकली हम कितने प्रकार से सीख सकते हैं, है ना? अगर कहते हैं कि सिंगल रोल होता है, फिर उसके बाद में कहते हैं किसी माध्यम से हम सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, हम उम्र से सीखते हैं, इस प्रकार अगर गैने महोदय की बात की जाए तो उन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग मतलब कि सीखने की जो शर्तें हैं उनके अनुसार सीखने की शर्तें हैं कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं तो कैसे होगा। सबसे पहले उनके कहना है कि उसमें प्रेरणा काम करना चाहिए, बच्चा अगर प्रेरित है तो वो सीख सकता है, अगर प्रेरित है तो नहीं सीखेगा, नहीं अगर प्रेरणा का अभाव होता है तो नहीं सीखता है ना? उसके साथ जो भी सामग्रियां हैं, जो भी संसाधन है, उसके साथ उसके अंदर क्रियाएं होनी चाहिए। इस प्रकार करते हुए अगर कहा जाए तो 5, 7, 10 और 8 मेरे ख्याल से कंडीशंस ऑफ लर्निंग में गैने महोदय ने 8 प्रकार की जो बताई है, इसलिए हम कह सकते हैं 164 का बी, 165। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, मतलब जैसे अलग अलग जैसे स्टूडेंट होते हैं उनमें आपस में भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, उनके कारण क्या होता है, प्रश्न ये है, उत्तर हम ढूंढेंगे। हम शिक्षार्थियों की सामाजिक प्रक्रिया, अपनाई गई विचार नीति, परिवार की आर्थिक, हमेशा ध्यान रखिए आर्थिक स्थिति इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका मायने, उसके लिए कुछ बिंदुओं पर रखता है, बाकी सभी बिंदुओं पर नहीं रखता है ना? बालक का लालन पालन, हाँ ये सही होता है, लेकिन अधिगम की शैली में अंतर होना मेरे ख्याल से उसके खुद का अपने शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचार नीति या रणनीति के अनुसार होता है, बाकी सब सही है, कुछ अंशतः सही है कुछ है। तो इस तरह से पूर्णता की अगर बात करें तो 165 का हमारा बी उत्तर सही होगा, 166। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है भाई? एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से समय की पाबंदी,
आप हमेशा जानते हैं शिक्षक विद्यार्थी के लिए क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। उनके वो आदर्शवादी व्यवहार को बहुत जल्द अपनाता है। अगर शिक्षक किसी बात को कहते हैं वो तो घर में वो बच्चा ये जरूर कहता है कि नहीं, हमारे सर जी ने कहा है, ये सही होगा, और किसी की बात को नहीं मानता। वो समय की पाबंदियों को सीख जाता है। ये वाचिक अधिगम है, प्रेक्षण अधिगम है, कौशल अधिगम है और अधिगम अंतरण है। अब देखिए, अधिगम अंतरण मतलब कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसका एक प्रभाव है, इसका एक प्रभाव है, कहेंगे वाचिक अधिगम है, एक मतलब एक सिंपल प्रोसेस है ना, वो अपने शिक्षक से समझ जाता है। नहीं, अगर हम कहेंगे कि ए और डी तो इसमें नहीं हुआ, कौशल अधिगम का है और प्रेक्षण अधिगम का है, यानी समय की पाबंदियों को विद्यालय में शिक्षक से समझना कौशल, ये स्किल नहीं है, इसलिए हमारा नहीं होगा। प्रेक्षण अधिगम है, इसका मतलब होता है कि उसके उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा उसको फॉलो करके सीख रहा है, यानी उसे प्रेरित है, तो इसलिए हमारा 166 का उत्तर कौशल और प्रेक्षण बी से हमारा सबसे बढ़िया 166 का बी हो जाएगा, 167। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए। विद्यार्थी बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं। जो नहीं सीख पाते हैं उसके संबंध में यहां कहा जा रहा है कि विद्यार्थी सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होने चाहिए। पुनः उनके निदान हो गया, जो नहीं सीख पाए उनका भी निदान हो पाया, लेकिन अब कहा जाता है सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना और शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना। शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना, ये हमारे 67 के क्वेश्चन से कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इनका रिलेशन नहीं बनता है, इसको हम हटाएंगे। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, जो त्रुटियां हैं उन पर हमको फोकस करना है, हम सी को हटाते हैं। सघन अभ्यास कार्य और सबसे समुचित उपचारात्मक कार्य में अगर देखते हैं, सीखने में रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद में चाहिए कि समुचित उपचारात्मक कार्य, यानी उसके रिहर्सल ऑलवेज में होना चाहिए, यानी ए और बी सबसे उचित अगर कहेंगे 167 का, तो हमारे ख्याल से बी सही उत्तर होगा, 168। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है कि, आप ध्यान देंगे, कहा जाता है कि बच्चे गलतियां करते ही हैं, शिक्षक को गलतियों के सुधारने की जिम्मेवारी मिली हुई है ना। अगर इसके बावजूद यहां पर प्रश्न करता है, छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है कि वह बच्चे खास शुभचिंतक है, नहीं बच्चे के खास शुभचिंतक है, नहीं ऐसा नहीं, शुभचिंतक होंगे तो आप क्रोध कर देंगे, ऐसा नहीं है, उसमें ज्ञान की कमी है, मतलब आप क्रोधित हो गए तो इसका ज्ञान से संबंध उतना नहीं होता है, वह कुंठित है, वही संवेदात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इमोशनल वे में आप बैलेंस नहीं है। इट इज द सिग्नल व्हेन एवर यू गेट एंग्री इफ अ स्टूडेंट कमिट मिस्टेक और अदर टाइप्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स। मेरे ख्याल से एक संतुलित व्यवहार शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, और इसमें संवेदात्मक रूप से संतुलित नहीं है तो इस तरह की गलती होती है। 168 का मेरे ख्याल से उत्तर डी हो जाएगा, 169। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? अब कहा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान, जो पाठ प्रस्तावना सोपान कहते हैं, सीखने के किस नियम पर आधारित है? लर्निंग के कौन से प्रभाव का, सादृश्यता का, साहचर्य का, तत्परता का? पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर? अगर हम कहेंगे प्रभाव का नियम, सादृश्यता का, सापेक्षता का नियम, साहचर्य का नियम, मतलब उसके साथ रहने से है ना, साथ करने से और प्रभाव से, मेरे ख्याल से सभी नियम जो होते हैं ना वो सीखने के होते हैं, लेकिन अगर तत्परता का नियम पाठ प्रस्तावना में लागू किया जाए तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है। तत्परता विद्यार्थी को प्रेरित करती है और उसके
अपने अधिगम को सहज रूप में अपनाने का, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। 169 का सी। नेक्स्ट 170। सोपान, दैट मीन्स अगर सिंपली अगर कहेंगे सिकंदर जी कि सोपान दैट मीन्स होता है सीढ़ी, हिंदी में बोलेंगे तो सोपान, स्टेप है ना, जो वेरियस वे में हम लेते हैं। तो पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए, अगर कहेंगे सिस्टमेटिकली या ग्रेजुअली अपग्रेड किया जाता है, तो जैसे कि बच्चा अभी जिस स्तर पर है उस स्तर से बाद के स्तर, ज्ञान के मामलों में उसके बाद के स्तर, और यहाँ पर किया जाता है कि पाठ का प्रस्तावना, तो पाठ का मतलब लेसन के जो प्रोस्पेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ सोपान क्या होता है, दैट मीन्स ए स्टेप होता है, ग्रेजुअली बढ़ते क्रम में होता है। अगला 167। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में, ये एक प्रश्न पहले भी कहीं एक बार हम डिस्कस करवा चुके हैं शायद, इसमें हमको लग रहा है याद आ रहा है ना। स्थानांतरण, जैसे प्रैक्टिकली हमें आपके कुछ पैसे खो गए या 10 रुपया खो गया, आपका कोई भी कुछ वस्तु खो गई, अगले बार से आप अलर्ट हो जाओगे क्या, कि आपको ये इस तरीके से यहां पर हमें अलर्ट रहना है, वस्तु खो जाती है। अगर आपके जानते हुए भी कोई प्रश्न अधूरे रह जाते हैं, एग्जामिनेशन में छूट जाते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपको, आप समझ जाते हैं कि नहीं ये प्रक्रिया स्ट्रैटेजी हमारी ऐसी थी, हम अगर इसको बदल देते हैं तो ये बेहतर होगा। तो कहते हैं एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान, सरकमस्टेंशियल जो नॉलेज होते हैं वो क्या होता है, सीखने की विधियों से होते हैं, स्थानांतरण से होते हैं, पाठन से होते हैं, रुचि से होते हैं, पठार प्रिंटिंग एरर है, तो इस तरह से अस्थानांतरण से होते हैं, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट रॉकी कुमार, अनामिका, विनय प्रभाकर, शशि भूषण, सिकंदर, आप सभी जुड़े हुए हैं हमसे। मेरे ख्याल से ये बी सीट था, एक सीट था ए जिसको मैंने डिस्कस करवा दिया। ए सीट में मेरे ख्याल से 111 और इसमें कितना हुआ 170 है ना, तो 281 टोटल क्वेश्चन हो गया 281। नेक्स्ट है हमारे पास सीट है सी, क्वेश्चन के सीट है हमारे पास सी। नेक्स्ट ग्रुप सी, इसको एक बार थोड़ा सा हम मिटा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी आगे भी हम चलेंगे, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट ग्रुप सी हमारे पास क्वेश्चन है, और धर्मेंद्र कुमार, रमन कुमार, अभी गुड नाइट नहीं, अभी क्वेश्चन बाकी है, कुछ क्वेश्चन और भी कर लेना है, समय है अभी हमारे पास, अभी समय है, करीब करीब 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में। नेक्स्ट कल से हम 8 से 9 रहेंगे, ये फ्राइडे और सैटरडे के लिए, कल इसके बाद पूरे सप्ताह मेरे ख्याल से आपका क्लास चलेगा। नेक्स्ट ग्रुप सी, अगर आपके पास है देखें पीडीएफ, यदि मेरी कक्षा में के अधिकांशतः बच्चे शरारती हैं तो उनके अवांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट की इंडिवियर को फोकस करता हुआ, टीचर की इंडिवियर को फोकस करता हुआ, इस सीट में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे ख्याल से डाला गया है। कक्षा के अधिकांशतः बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा क्या होगा, शारीरिक दंड होगा, कक्षा से निष्कासन होगा, पुरस्कार होगा, निर्देशन और परामर्श होगा। निमेश कुमार, मेरे ख्याल से दूसरा ये सी सीट, सीट सी है,
पहला सीट ए, उसके बाद सीट बी और फिर सीट सी। सीट सी चल रहा है, आप सब लोग के पास होना चाहिए, सीट सी होना चाहिए निमेश कुमार। और आगे भी, हाँ आगे आगे भी पीडीएफ मिलेगा, है ना, आगे भी पीडीएफ मिलेगा। अभी ये सी चलते हैं। मेरे ख्याल से सी में क्वेश्चन कितने हैं, सी में 158 क्वेश्चन है, तो सी एटलीस्ट वन डे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को नेक्स्ट। बच्चों को दंड नहीं देना है, कक्षा से निष्कासित नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका पुरस्कार, और डी में कहेंगे निर्देशन और पुरस्कार होगा, पहला का डी। मेरे ख्याल से सीट में ज्यादातर इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, जब एक छात्र विशेष विशेष के पढ़ विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। गृह कार्य में कटौती, प्रचार से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य करें। अभी ध्यान रखिएगा, कभी भी गृह कार्य में कटौती, प्रचार से शिकायत नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। एटलीस्ट 500 क्वेश्चन यू विल हैव टू प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड यू एटलीस्ट 500, है ना, तो ध्यान रखिएगा 500 क्वेश्चन होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक छात्र विशेष विषय के पढ़ने में रुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। आप ए और बी उपाय नहीं करेंगे, नवीन शिक्षण कार्य से पहले बेहतर होता है, क्या करेंगे, वास्तविक कारण की खोज करेंगे, है ना, उनके वास्तविक कारण क्या है, तो अगर हम करेंगे दो तो क्या होगा, सी। नेक्स्ट थ्री बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापक को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है, आप ध्यान रखिएगा, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे। इनकी सहायता से अध्यापक छात्रों को कुशलता पूर्वक पढ़ा सकता है, इनकी सहायता से अध्यापक पाठ के प्रश्नों को सुगमता से करवा सकता है, इनकी सहायता से अध्यापक को दृष्टिकोण के बच्चे पर डाल सकता है, अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत अंतरों को समझकर उचित पथ प्रदर्शन कर सकता है। चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को अगर रिलेट करते हैं तो अगर व्याख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो तीसरा का सबसे बढ़िया और सुटेबल एडजेक्ट डी होता है। नेक्स्ट, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के तीन प्रमुख कार्य हैं, चरित्र निर्माण, कुशलता अभ्यास, अध्यापन शिक्षण निर्देश, अध्यापन शिक्षण अभ्यास, निर्देशन अनुदेशन एवं कुशलता, सभी है। पहला मेरे ख्याल से उचित होगा, लेकिन क्योंकि चरित्र निर्माण है ना सबसे बड़ा होता है, चरित्र निर्माण बाकी सबके लिए जरूरी होता है, इसलिए हमारे ऑप्शन में एक में है चरित्र का निर्माण, इसलिए चरित्र निर्माण सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है, और आपका ऑप्शन चार का ए। पांच, बालकों के समक्ष पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर तदुपरांत उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। इस विधि को निगमन विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, प्रयोग विधि कहते हैं, उदाहरण विधि कहते हैं, है ना, सिंपल सी बात है भाई। आगमन इंडक्टिव टू डिडक्टिव, निगमन विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, सिंपल सी बात है। जब उदाहरण दिया जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है, कमजोर छात्रों पर, सभी छात्रों पर, निर्धन अपंग पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर, सभी छात्रों पर नहीं। अगर हम कहते हैं कि एक अच्छा अध्यापक कमजोर, निर्धन,
अपंग प्रतिभाशाली ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल्ड बिफोर अ टीचर, अगर हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा छठे का बी। अध्यापक को भड़कीली वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, अनावश्यक व्यय पड़ता है, अध्यापक आदर्श का प्रतिबिंब होता है, अध्यापक आलोचना का पात्र होता है। अगर देखा जाए तो भड़कीली वेशभूषा विद्यार्थियों अध्यापक के लिए क्या होता है, क्योंकि अध्यापक आदर्श का प्रतिबिंब होता है, यानी सब कुछ उसके अनुसार होता है। तो सेवन का क्या हो जाएगा सी। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम पाने के लिए दैनिक समाचार पत्र, विषय संबंधित नवीन साहित्य अध्ययन, शैक्षणिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। अपनी जानकारी नवीनतम बाने नहीं है पाने है, समाचार पत्रों का नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से संबंधित है। मेरे ख्याल से सब सही लग रहा है, बट डी से बेहतर हमारा विकल्प होगा कि विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन अगर करते हैं तो अप टू डेट नॉलेज होता है ना। एट का बी। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो नेक्स्ट, यदि हम कहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही, आवाज क्लियर है? एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासित हो रहा है तो, हाँ से क्लियर है। हाँ, अगर कहते हैं प्रखर बुद्धि बालक, प्रखर दैट मीन्स कि वो टैलेंटेड है, कुशाग्र है, इंटेलिजेंट है, कक्षा में अनुशासित हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं की जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कठोर दंड दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। और उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, वो अनुशासनहीन हो रहा है, एक टैलेंटेड स्टूडेंट, यानी प्रखर बुद्धि बालक अगर अनुशासनहीन होने लगा तो दिस मीन्स कि आप समझ जाइए कि उस पर किसी गतिविधि का इफेक्ट हो रहा है ना। और गतिविधि अगर उसको प्रभावित कर रही है तो उसको जानना जरूरी है। तो आप ए को इनकार करेंगे, बी हमारा भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, और सी अभिभावक ने आपको बच्चे को आपके पास भेजा है उसमें सुधार के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, और आप फिर पुनः अभिभावक से शिकायत क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका नाइन का उत्तर क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। और टेन का, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, कुछ देर का समय मांगेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, अस्पष्ट मना कर देंगे, मानकर, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, मना कर देंगे, ये डी बिल्कुल गलत है। क्या है, गंभीर विषय है ना, अपने मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार, विषय गंभीर है, सहर्ष तैयार हो जाना आपकी जानकारी को बताता है, मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है, है ना। गंभीर विषय को कहा जाता है ना, अगर बोलना है गंभीर विषय पर तो सोचते हैं या फिर समय लेते हैं, तो सहर्ष नहीं होगा, डी और सी नहीं होगा। कुछ देर का समय मांगेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह, अब मुद्दा है गंभीर और आपकी विचार मांगा जा रहा है, तो मित्रों से सलाह लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ देर का समय मांगेंगे, 10 का ए। इस तरीके से नेक्स्ट, थोड़ा समय का दायरा में रहना पड़ता है, समय की पाबंदी हो जाती है ना। मेरे ख्याल से आज 30-40 क्वेश्चंस हुए, कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस एवरीडे हो जाए। और नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे, मनीष पांडे, विनय प्रभाकर, शशि भूषण, विनय प्रभाकर,
धर्मेंद्र कुमार है ना। नेक्स्ट, आप सबके चैट मैंने देखे, आप लोगों का कमेंट देखे मैंने, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम मेरा एफर्ट होता है कि आपके जो भी क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान हमारे स्टूडेंट जो भी हमसे रूबरू होते हैं और अपने प्रॉब्लम रखते हैं, सबका मैं ख्याल रखता हूँ, हर एक स्टूडेंट का, एवरी स्टूडेंट का, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल बिफोर मी, दिस इज माई ओन ओपिनियन। और स्टूडेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है, आप हमारी प्राथमिकता के सबसे, क्या कहेंगे, सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। अगर प्राथमिकता की सूची बनाई जाए तो हम अपने विद्यार्थियों को सर्वोच्च स्थान देते हैं। हमारे लिए अगर कहा जाए तो मुझे भूलने की आदत है, बहुत मैं भूलता हूँ, और मतलब क्या कहा जाएगा, अगर टिकट काउंटर से टिकट ले लिया और पैसा लेना मैं भूल जाता हूँ, है ना, दुकान से सामान खरीदा, और ये मेरा मतलब कोई बीमारी नहीं है लेकिन एक आदत है, स्वभाव तो भूल जाता हूँ, लेकिन एक बात मैं नहीं भूलता हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है विद्यार्थियों को, कैसे पढ़ाना है और किस जगह पढ़ाना है विद्यार्थियों को। हमारे हैक्टिक रूटीन जो होते हैं, हमारे जो हैक्टिक शेड्यूल होते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहना हमारा शेड्यूल है, हमारा रूटीन है, हम आप लोगों से जुड़े रहते हैं और अपने आप को मैं अप टू डेट करते रहता हूँ, आपके लिए मैं स्टडी करते रहता हूँ, आपके लिए मैं पढ़ते रहता हूँ, और ये हमारी कोशिश होती है कि एकदम बेस्ट और अप टू डेट जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट है, मैं आपके सामने रखूँ, जो कंट्रोवर्सी से अलग हो, जो विवाद रहित हो, है ना। तो इस तरीके से हम आप लोगों को एक तरह से अपना जो रिफाइंड नॉलेज है वो हमेशा मैं देते रहता हूँ। एक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उतना स्टडी नहीं करते होंगे शायद, मैं उतना स्टडी करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का भी उतना ध्यान में रखता हूँ, नहीं रखता हूँ जब मैं पढ़ने लगता हूँ। तो इस तरह से हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि आप भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, लेबर नेवर गोज इन वेन, हमेशा ध्यान रखिए। और हाँ, निमेश कुमार, सीटीईटी का भी क्लास हमारे चलते हैं इस साल, जो अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें एटलीस्ट हमारे 100 स्टूडेंट, ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पटना में जितने संस्थान हैं आप पूछ ले सकते हैं, ओझा सर है ना, तो हम 100 स्टूडेंट एटलीस्ट, मतलब सैकड़ा सेंचुरी लग चुकी है हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट के, जो हमारे पटना में जी वेरियस जो सोर्सेज है जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, हमारे हमारे प्लेटफॉर्म सेंटर से भी बहुत हमारे बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं। तो सीटेट का निश्चित तौर पर क्लास होगा, मैं क्लास मेरा ही रहेगा, हमारा सेक्शन पैडागोजी आपके 150 में 90 नंबर का होता है ना। हाँ तो इस तरह से 150 नंबर में हमारी बहुत भूमिका होती है, और एक बार आप क्लास करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। ये बहुत जो पेडागोजी होता है, क्या कहते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सब्जेक्ट होता है, चूंकि आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इस गवर्नमेंट सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूं, और इस नाते भी वहां पर हमें इस तरह के प्रोजेक्ट करने को मौके मिलते हैं जिसमें मुझे बहुत अवसर मिला हुआ है, और मैं ये फैक्ट वहां पर जो मैंने सीखा हुआ यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को देते रहता हूँ। आप सभी को एक बार फिर, अभिषेक कुमार, निमेश कुमार, रानी संदना, हाँ प्रॉब्लम सही है आप सबको, मैं प्रॉब्लम बेसिकली एक डॉक्टर जैसे पेशेंट को देखता हूँ, बताता है प्रॉब्लम, आप सबकी प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम है ना, कोई ये बात नहीं है, आप जुड़े रहिएगा, फिर बीच में हम वीडियो आप लोग के लिए शेयर किया करेंगे, आप लोगों से बताया करेंगे, है ना। तो अभी हम आपसे जुड़े हुए 1 हफ्ता जुड़े रहेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, चर्चा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा बाबू, आप लोग का सब लोग का सिलेक्शन हो जाए मेरे ख्याल से, है ना, एस्टेट में, और मैं सब लोग को आशीर्वाद देते रहता हूँ, और भगवान से, वाहेगुरु से, ऊपर मालिक से, अल्लाह से, गॉड से, सबसे मैं यही दुआ मांगता हूँ कि हमारे सभी जो स्टूडेंट हैं सब सफल हो जाए, ताकि हमेशा आदर के साथ आर के ओझा का नाम ले, कि आर के ओझा सर ने हम ये टिप्स दिए थे, बताए थे, इस सबके साथ आज मैं फिर कल मैं मिलूंगा आपसे, कल शायद 8 से 9 संध्या रहेगा, है ना, तो फिर उसके बाद मैं आपसे फिर उसी तरह से रूबरू करूंगा, समस्याएं होगी तो थोड़ा क्लास के बाद समय बढ़ा करके हम आपसे बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अपने स्टूडियो से वापस चलता हूँ, और आप सभी को एक बार फिर शुभकामना देता हूँ, गुड नाइट एवरीवन।
हाँ